हेलो गाइस, मेरा नाम है डेंजर एंड आप देख रहे हो डेंजर डिजाइन। तो आज की जो ये वीडियो है वो है हाउ टू क्रिएट डैश लाइन ग्रिड ऑन एंड्रॉयड फॉर लोगो इन पिक्सेल ऐप। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे बना सकते हो डैश लाइन, मतलब जो डॉटेड लाइन है अपने लोगो के लिए। आई मीन टू से डॉटेड लाइन ग्रिड। आपने थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के रिलेटेड है। तो ये चीज़ अब एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है। एक्चुअली ये बहुत पहले से ही अवेलेबल थी बट किसी को ये मालूम नहीं था, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग को भी पता चले कि हम एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो वो आपको सिर्फ इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में ही करके बताते हैं, बट आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि यार आप लोग कैसे एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक जी का लोगो ऐड कर लिया है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि एक टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करेंगे बट हम टेक्स्ट के जगह ये जो डैश है ये डैश ऐड करेंगे। ठीक है, इसे हम अंडरस्को भी बोलते हैं या फिर हम डैश भी बोल सकते हैं, बात तो एक ही पड़ता है। ठीक है, तो आप कुछ भी बोलो। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ हमारी डैश लाइन में क्रिएट होने वाली है। तो पहले आपको क्या करना है ना कि जो लोगो है उसकी ओपेसिटी कम कर देनी है। अगर हम लोगो की ओपेसिटी कम नहीं करेंगे जब हम फिर डैश लाइन उसके ऊपर रखेंगे जो डॉटेड लाइन है, तो वो फिर मतलब एडजस्ट नहीं होगा ना, हमें दिखेगा नहीं कि मतलब प्रॉपरली उसके कॉर्नर्स में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने पहले वो तो कर दिया एंड इसकी थोड़ी सी साइज़ बड़ी हो गई थी तो मैं पहले थोड़ी सी छोटी करूँगा। उसके बाद ऐसे सेंटर में कर दिया, तो मतलब ठीक है सेंटर में कर दिया, ईजी रहेगा मेरे को। और फिर जो इसकी स्पेसिंग है, ठीक है, तो आप सोच रहे होते कि यार मैंने तो वहाँ पर स्पेस दिया नहीं तो फिर कैसे बनेगा डैश लाइन। तो आपको यहाँ पर स्पेसिंग में आना है। स्पेसिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा देनी है। तो आप ये स्पेसिंग के ज़रिए आप गैप्स दे सकते हो एंड ये बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। ठीक है, तो ये बहुत ईजिली कर सकते हो इसमें स्पेसिंग में। एंड अगर आप चाहते हो कि मतलब स्पेस क्लिक कर करके अगर आप चाहते हो जैसे कीपैड में होता है तो वहाँ पर आप वैसे भी कर सकते हो, बट मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही वाला करो, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। एंड अगर आप बाकी ये कुछ डिज़ाइंस बना रहे हो तो आप उसमें भी अगर ये चीज़ स्पेसिंग की बात आती है तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप देख सकते हो कि मैंने पहली तो डैश लाइन बना ली। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है कि मेरे को ऐसे ही हॉरिजॉन्टली रखना है। ठीक है, इसके इन कॉर्नर्स एंड आउट कॉर्नर्स में कॉपी कर करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने दो डैश लाइन रखी है तो ये काफ़ी हद तक बेटर लग रहा है एंड बहुत क्लीन लग रहा है, सिंपल भी है एंड क्लीन भी है। तो आप ये जो डैश लाइन है आप इसकी मतलब क्या है कि प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, बहुत अच्छे से आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड प्रेजेंटेशन मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग जो मतलब क्लमजी कर देते हो, मतलब आपको समझ में नहीं आता कि मैं लोगो डिज़ाइन में मतलब किस तरीके का प्रेजेंटेशन करूँ। एंड आप जैसे कि स्ट्रोक वाली भी प्रेजेंटेशन करते हो, वो नॉर्मल एक लाइन करके एनऑल, ठीक है, जो आप स्ट्रोक दिखाते हो, तो उससे तो ज़्यादा ये यूनिक है एंड कूल है। एंड ये जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, ये इफ़ेक्ट पीसी डिज़ाइनर्स मतलब जो पीसी यूज़र्स है उसमें मतलब किया जा सकता है, जो मतलब पीसी यूज़र्स एक्चुअली है एंड जो पीसी डिज़ाइनर्स मतलब जो भी हो, ठीक है, तो आप समझ रहे हो, तो वो इजीली इसे कर सकते हैं फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर में, क्योंकि उन्हें तो वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, बट एंड्रॉयड में तो एक लिमिटेशंस आ जाती है। तो उस लिमिटेशंस को मतलब थोड़ी सी इजी करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आपको जो ये वीडियो मैं बता रहा हूँ ये वीडियो वैसे आपको कहीं पर भी मिलेगा नहीं यूट्यूब में, आप कहीं पर भी सर्च कर लेना, ये सिर्फ और सिर्फ डेंजर डिजाइन के चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर से करना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन सारे के सारे रख दिए, तो अब बारी आती है वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन में भी सेम है, हमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कोई भी एक हमें कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद हमें उसे मिडल में ले आना है, मिडल में ले आने के बाद हम उसे फिर उसकी प्लेसमेंट कर देंगे आउटसाइड एंड इनसाइड में। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जब प्लेसमेंट कर रहे हो तो आप गलती से भी इसकी जो साइज़ है वो अप या डाउन मत कर देना। ठीक है, आप कभी साइज़ अगर डिक्रीज़ कर दिए या इंक्रीज़ कर दिए तो इससे क्या होगा कि जब आप ग्रिड बना रहे हो, ठीक है, तो मतलब कहीं पर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कहीं थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो वो थोड़ा ना मतलब अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको थोड़ा अच्छा से करना है, एकदम प्रोफेशनल वे में करना है, तो अगर आपके पास पीसी हो तो आप उसमें भी कर सकते हो। और अगर आप एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में आपको मतलब प्रॉपरली हर एक चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो अगर एक जगह भी थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मतलब जो व्यूअर्स है, जो आपके पोस्ट या आप कहीं पर भी इसे पोस्ट कर रहे हो, मतलब कहीं पर भी दिखा रहे हो, तो ना वो मतलब थोड़ा सा मतलब क्या है कि इफ़ेक्ट
अच्छा नहीं पड़ता, मतलब जो प्रभाव होते हैं, ठीक है, तो प्रभाव अच्छा नहीं होता है, मतलब थोड़ा नहीं अच्छा लगता है, आप समझ सकते हो ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने पूरा का पूरा ग्रिड बना दिया एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। बट अभी हमें क्या करना है कि जो ग्रिड है उसे पहले हम मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद इसकी ना ओपासिटी कम कर देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा इसकी ओपासिटी रखेंगे तो लोगों की जो हमने ओपासिटी कम की है वो तो दिखेगी नहीं, तो लोगों की ओपासिटी अगर बढ़ा दी है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हमें क्या करना है कि जो इसकी ओपासिटी वो हमें कम कर देनी है। एंड आप वीडियो लास्ट तक देखना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताने वाला हूँ डैश लाइन के रिलेटेड ही। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है कि इसकी जो ओपासिटी है ना, आप इसे 50 में रखो या फिर 45 में रखो, इसे ज़्यादा कम या इससे मतलब सेम टू सेम मत रखना। जैसे कि अगर आपने लोगों की ओपासिटी भी 20 रख दी, डैश लाइन की भी ओपासिटी 20 रख दी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो लोगों की ओपासिटी हमेशा 30-20 में रखना एंड जो डैश लाइन है उसकी ओपासिटी आप 45 या 50 में रखना। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी हद तक बेटर एंड क्लीन भी लग रहा है ना। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको डैश लाइन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो ये वही चीज़ है। तो डैश लाइन हमारे पास 3 तरीके के अवेलेबल है। ठीक है, तो पहला वाला आप देख सकते हो एंड दूसरा वाला जो हमने वीडियो में आपको बताया वो वाली सेकेंड है, एंड जो थर्ड वाली है वो वाली मतलब जो ये फर्स्ट वाली एंड सेकेंड वाली जो डैश लाइन है उससे थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेकंड वाली ज़्यादातर यूज़ करना एंड अगर लोगो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए आप फर्स्ट वाली को ही यूज़ करना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं इनमें गैप्स देता हूँ तो कैसे दिखते हैं। बट एक चीज़ आप देख रहे होगे कि फर्स्ट वाले में ऑलरेडी थोड़े से गैप दिए हुए, तो वहाँ पर आप कम गैप्स देना। ठीक है, तो मैंने बस ये सेंटर में रख दिया तो ईजिली मैं आपको बता भी पाऊँगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर स्पेसिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो स्पेसिंग करी है मैंने तो तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो आपको जो बेटर लगे आप वही यूज़ करना एंड बस प्रेजेंटेशन अच्छे से करो एंड डिज़ाइन अच्छे से बनाओ। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह के कॉन्टेंट लाता रहूँ तो यार मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। एंड अगर आपने ये दोनों चीज़ ऑलरेडी करके रखा हुआ है तो यार लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। एंड अगर आप जानना चाहते हो मेरे अपडेट्स के बारे में कि मेरी वीडियो कब आएगी, किस समय आएगी, तो यार आप मेरे को इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं यूजुअली अपने सारे वर्क्स एंड वीडियोस के रिलेटेड थोड़ी सी हिंट भी देता हूँ कि अगली वीडियो मेरी किस टॉपिक पर होगी। एंड अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो यार आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।